हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले इस टेबल के बारे में, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की जो टेबल है उसके बारे में। इसे याद रखना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इसे कैसे याद रखेंगे इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या देख रहे हैं? साइन थीटा की जीरो पर वैल्यू क्या होती है? जीरो। 30 डिग्री पर क्या होती है? 1/2। 45 पर क्या होती है? 1/√2। 60 पर क्या होती है? √3/2। 90 पर क्या होती है? 1। यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है इन सभी एंगल्स पर ये होती है। अब हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि साइन की जो वैल्यू होती है जीरो से वन के बीच में होती है। अगर जो हमें इस साइन की वैल्यू सारी पता चल जाए तो हम सारी टेबल को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि साइन की जो वैल्यू होती है वो कैसे निकाल सकते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए देखते हैं साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जीरो पर और 30 पर, 45 पर, 60 पर और 90 पर, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये एंगल लिख लेंगे, जीरो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब साइन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनकी नंबरिंग कर देंगे। इनकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जीरो से। जीरो, 1, 2, 3, 4। अब हम जानते हैं कि साइन की जो वैल्यू होती है वो जीरो से वन के बीच में होती है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? वन। वन लाने के लिए हमें क्या करना होगा? 4 से डिवाइड करनी होगी। जब यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ से भी 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा इसके इक्वल टू में? 1 मिल जाएगा। इधर क्या मिल जाएगा? 0। यानी कि साइन की जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे? इसका रूट निकालेंगे। अब इसका रूट करने पर हमें क्या मिलेगा? इधर भी रूट कर दिया, इधर भी रूट कर दिया, इधर भी रूट कर दिया, इधर भी और इधर भी। इसका रूट निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? 0। इसका रूट निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1/2। इसका रूट 1/√2, क्योंकि 2 2 जा 4। जब रूट निकालेंगे यहाँ से 1 होगा वो अपॉन में √2 बच जाएगा। इधर क्या जाएगा? इधर √3/2 आ जाएगा और इधर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1। यानी कि साइन की जितनी क्या वैल्यू निकलेंगी 0 से लेकर 1 के बीच की, ये जितनी भी वैल्यू है वो साइन की वैल्यू कहलाएंगी। साइन की 0 डिग्री पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 30 डिग्री पर 1/2, 45 डिग्री पर कितना? 1/√2। 60 डिग्री पर कितना जाएगा? √3/2। 90 डिग्री पर 1। तो इन वैल्यूज को हम क्या टेबल में भर लेंगे। क्या आई है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब साइन की वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब इस टेबल को बनाना बहुत ही आसान हो गया है। अब कोस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी रिवर्स कर देंगे, यानी कि साइन थीटा की जितनी भी वैल्यू मिली है इसे अगर तो पीछे से लिखना शुरू कर दें तो क्या मिल जाएगी? कोस की वैल्यू। तो इसका रिवर्स कर देंगे तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। साइन की वैल्यू को अगर जो हम क्या करें रिवर्स कर दें तो कोस की वैल्यू मिल जाएंगी। अब हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यदि हम साइन थीटा की जितनी भी वैल्यू है उसको कोस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो किस चीज़ की मिल जाएंगी? टेन थीटा की वैल्यू। तो हम क्या करने वाले हैं? नीचे वाली से ऊपर वाली को डिवाइड। तो क्या मिलेगा? 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना मिलेगा? 1/√3। इसको इससे डिवाइड करने पर क्या मिल जाएगा? 1
इसको इससे डिवाइड करने पर क्या मिल जाएगा, रूट थ्री। इसको इससे डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, ये नोड डिफाइन हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं इन्फिनिटी। नेक्स्ट कोट की निकालेंगे, तो कोट क्या होता है, टेन का उल्टा, यानी कि कोट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा। तो इन वाली सारी वैल्यूज को 1 के अपॉन में लिखने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कोट थीटा की वैल्यू होंगी। तो कोट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, यानी कि 1/0 क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। 1/1/√3 कितना मिलेगा, √3। 1 के अपॉन में पहुंचाइए, इसका भी उल्टा कर दीजिए, क्या मिलेगा, 1। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि 1 के अपॉन में जाना है ये, तो 1/√3। अब 1 के अपॉन में इन्फिनिटी लिखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 0। नेक्स्ट sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा, यानी कि sec थीटा क्या होता है, cos थीटा का उल्टा। जब cos थीटा की वैल्यू हमारे पास है तो sec थीटा की बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कि इन वाली वैल्यूज को 1 के अपॉन में लिखने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो sec थीटा की वैल्यू होंगी। तो sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के अपॉन में 1 पहुंचा दिया तो क्या हो जाएगा, 1। और इसे 1 के अपॉन में पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 घूम कर ऊपर हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2/√3। अब इसे 1 के अपॉन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर √2 चला जाएगा, तो √2 मिलेगा। इधर इसके इसे 1 के अपॉन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 घूम कर ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब 2 आ जाएगा। और इसे 1 के अपॉन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इन्फिनिटी। अब लास्ट कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का, यानी कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। यदि 1 के अपॉन में इन सारी वैल्यूज को लिख दे तो क्या मिल जाएगा, कोसेक थीटा। तो 1 के अपॉन में 0 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। 1 के अपॉन में 1/2 लिखेंगे तो 2 घूमकर ऊपर चला जाएगा, तो इधर मिल जाएगा 2। इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 1 के अपॉन में इसे लिखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, √2। और इसको भी 1 के अपॉन में लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, 2/√3। और इसको 1 के अपॉन में लिखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1। इस तरह से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल तैयार होती है। इसे याद करना काफी टिपिकल है, इसलिए इसे एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ही याद किया जा सकता है। इस टेबल में साइन की वैल्यू अगर जो हमें पता चल जाए तो बाकी सारी टेबल बनकर खुद ही तैयार हो जाती है। इसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर जो हमें बनानी आती है तो। आई होप कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल बनाने वाली ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।